Outline the factor to consider when making an assessment of first aid provision in a workplace. कार्यस्थल में प्राथमिक चिकित्सा प्रावधान का आकलन करते समय किन कारकों पर विचार किया जाता है या किन का विचार करें, किस पर करेंगे आप? अगर ये क्वेश्चंस आपके सामने आ गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आउटलाइन द फैक्टर टू कंसीडर व्हेन मेकिंग एन असेसमेंट, जब भी आप असेसमेंट रिपोर्ट बना रहे हैं किसके साथ, फर्स्ट एड प्रोविजन के साथ, कार्यस्थल पे, यदि इस तरह का आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, इसका वह कौन से फैक्टर हैं जिन पर आप कंसीडर करेंगे, उस पर आप विचार करेंगे कि नहीं ये चीज़ हमको इसमें मेंशन करने होंगे, और फिर कितने पॉइंट्स हैं। दूसरे क्वेश्चंस की मैं बात करूं, अक्सर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे आप गल्फ जॉब के लिए, चाहे कहीं भी जाएं एग्ज़ाम के लिए भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं लगभग, चाहे आप सेफ्टी ऑफिसर हैं या फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, दोनों में ही यह एक जैसे है। अब देखिए, एक्सप्लेन रिस्क असेसमेंट विद फर्स्ट एड प्रोविजन एट साइट, साइट पर प्राथमिक चिकित्सा प्रावधान के साथ जोखिम मूल्यांकन की व्याख्या करें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट इज रिस्क असेसमेंट विद फर्स्ट एड प्रोविजन? व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? जी हाँ, रिस्क असेसमेंट के बारे में आपने पढ़ाई किया, लेकिन यहाँ पे जो ये बात आ रही है, दो चीज़ें एक साथ आ रही हैं। क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से आप गलत जवाब लिखेंगे और फिर कहानी दूसरी हो जाएगी। व्हाट इज रिस्क असेसमेंट विद रिस्क असेसमेंट, किसके साथ? विद फर्स्ट एड प्रोविजन, यानी फर्स्ट एड जो प्रोविजन है उसके साथ आपको असेसमेंट बनाना है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अब चलिए उन बातों को जरा एक नजर देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। डियर स्टूडेंट, ये जितने भी क्वेश्चंस आपने देखा आपके सामने हैं, उन सबका जवाब लगभग एक जैसा है। ठीक है, उस चीज को एक एक करके समझते हैं, मैं आपको बताता हूं। फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हेन मेकिंग एन असेसमेंट ऑफ फर्स्ट एड प्रोविजन आर, प्राथमिक चिकित्सा प्रावधान का मूल्यांकन करते समय विचार किए जाने वाले जो कारक हैं वह कुछ इस प्रकार के हैं। पहला, ए सिंक विद हॉट एंड कोल्ड रनिंग वाटर। ए सिंक यानी एक तरह का, ये जो सिंक आपने देखा होगा जहाँ पे हाथ वगैरह आप धोते हैं, तो अब यहाँ पे जो है ये होना चाहिए सिंक विद हॉट एंड कोल्ड, यानी गर्म और ठंडा दोनों रनिंग वाटर होना चाहिए, पहला फैक्टर जिसपे आपको कंसिडर करना है। ठीक है, यानी नंबर वन। इसके बाद में बात करता हूँ ड्रिंकिंग वाटर एंड डिस्पोजल कप, यानी ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा जो वहाँ पे हम कंसीडर करें है या नहीं है। फिर डिस्पोजेबल कप, डिस्पोजेबल कप यानी एक ऐसा ग्लास जिसको आप एक बार सिंगल यूज करते हैं और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सोप एंड पेपर टॉवल्स, ये सोप एंड पेपर टॉवल्स की भी के बारे में हम उसमें कंसीडर करेंगे। आगे चौथा पॉइंट हमारा होता है स्टोर फॉर फर्स्ट एड मटेरियल, क्या वहाँ पे स्टोर है कि नहीं फर्स्ट एड मटेरियल के लिए, है या नहीं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, क्या अगर कोई बात हो गई या कोई मैसेज करना हो एक सिटी से दूसरे सिटी में, या फिर यहाँ से नेशनल कॉल भी करना हो, तो उस समय क्या कम्युनिकेशन इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो ये सारे जवाब आपके हैं किसके, जो आपका क्वेश्चन था कि फैक्टर टू कंसीडर व्हेन मेकिंग एन असेसमेंट विद फर्स्ट एड प्रोविजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होता है इंसिडेंट रिकॉर्ड बुक, इंसिडेंट रिकॉर्ड बुक भी वहां पे आपको कंसीडर करना है। उसके बाद से चेयर, चेयर दो तरह के होंगे यहाँ पे, एक तो वहां पे बैठने के लिए चेयर, और एक जो चेयर का जो मेन सेंस होता है उसमें, जो डिजेबल पर्सन है या किसी कारणवश वो चल नहीं सकते हैं उनके लिए वो सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं कि नहीं है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट्स आता है जिसपे आपके आपको कंसीडर करना है, वो पॉइंट्स है आपका फुट ऑपरेटेड रिफ्यूज कंटेनर, क्या वहाँ पे जो ये रिफ्यूज कंटेनर्स जो होता है जो फुट ऑपरेटेड, जैसे आपने देखा डस्टबिन को आपने देखा है, आपने दबाया और ये ओपन हो जाता है, ठीक उस तरह का एक तरह कंटेनर है जो रिफ्यूज के लिए जो होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट्स के बारे में, मेडिकल काउच, पीलो, ब्लैंकेट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स,
ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल। यानी डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम लोगों ने जो कंसी जो इसमें फैक्टर जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखा वो 9 पॉइंट्स हैं। अब जरा एक नज़र, ये सारी चीज़ आप समझ गए क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ाई भी किया है, तो बहुत इजी वे में भी आप समझ पाएंगे कि क्या चीज़ है, कैसे करना है। ये 9 फैक्टर ऐसे हैं कि जो जब आप असेसमेंट बनाएंगे उस समय इन 9 फैक्टर को आपको उसके साथ असेसमेंट के साथ रिस्क असेसमेंट के साथ इन्हें भी मेंशन करना होगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जरा एक नज़र इन 5 क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, आउटलाइन द फैक्टर टू कंसीडर व्हेन मेकिंग एन असेसमेंट ऑफ फर्स्ट एड प्रोविजन इन ए वर्क प्लेस। इसका जो सीधा जवाब आपका होगा वो जवाब आपका कुछ इस तरह का होगा, फैक्टर टू बी कंसीडर व्हेन मेकिंग एन असेसमेंट ऑफ फर्स्ट एड प्रोविजन आर, फर्स्ट विल बी ए सिंक विद हॉट एंड कोल्ड रनिंग वाटर, सेकेंड ड्रिंकिंग वाटर एंड डिस्पोजल कप, नेक्स्ट पॉइंट सोप एंड पेपर टॉवल, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका ये स्टोर ऑफ फर्स्ट एड मटेरियल, एंड नेक्स्ट पॉइंट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इंसिडेंट रिकॉर्ड बुक, नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा चेयर, फुट ऑपरेटेड रिफ्यूज कंटेनर एंड मेडिकल काउच पीलो ब्लैंकेट व एंड क्लीन क्लॉथ्स। ओके, तो आपका बड़ा स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर इस तरह से आप दे सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि व्हाट इज रिस्क असेसमेंट विद फर्स्ट एड प्रोविजन, तो इसका भी सेंस आपका वही है, यही चीज आपको 9 पॉइंट्स बताना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए राइट 5 फैक्टर फर्स्ट एड प्रोविजन फॉर रिस्क असेसमेंट, तो डियर स्टूडेंट्स आपको भी ये 9 पॉइंट्स यहाँ पे लिख देना है। मेक एन असेसमेंट विद फर्स्ट एड प्रोविजन एट साइट, तो जो भी आप असेसमेंट बनाएंगे उसके लिए 9 पॉइंट्स होंगे। आउटलाइन ऑफ द फर्स्ट एड प्रोविजन, आपने सारी चीज देखा और समझा इस क्वेश्चन से, यानी 5 क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चंस का जवाब आपका कुछ सबका मिलता जुलता इस प्रकार होगा और क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये कोशिश रहती है हमेशा कि आपको आप अपने जॉब इंटरव्यू में कभी फेल ना हो, आपको जॉब मिले, बेहतर जॉब मिले। मकसद है आपको बताने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ आपको एक बेहतर जॉब दिलाना भी। तो आपने देखा कि इतने क्वेश्चंस आपके हम लोगों के सामने आए, और पहला क्वेश्चंस जो आया वो भी देख लिया आपने बहुत क्लियर। कार्यस्थल में प्राथमिक चिकित्सा प्रावधान का आकलन करते समय किन कारकों पर विचार करना है, साइट पर प्राथमिक चिकित्सा प्रावधान के साथ जोखिम मूल्यांकन की व्याख्या, तो ये क्या करना है, आपको 9 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी मालूम है। अब मैं बात करता हूँ रिस्क असेसमेंट के साथ अगर पूछ दिया जाए फर्स्ट एड प्रोविजन के बारे में, तो फिर आप फर्स्ट एड प्रोविजन के जो 9 पॉइंट्स है वो आपको राइट कर देना है, लिखना है, बताना है, यानी उसके साथ अगर जो भी असेसमेंट का आपका होगा उसके साथ इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये सारे पॉइंट्स आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यह चीज़ क्वेश्चन तो पूछा जाता है, क्वेश्चन आता भी है, आप राइट भी करते हैं, इंटरव्यू में जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि अगर किसी से आप पूछिए कि फैक्टर टू बी कंसीडर, तो वो रिस्क असेसमेंट आते ही वो केवल रिस्क असेसमेंट के बारे में ही बताते हैं। वो तुरंत बताएंगे कि हाँ इसके इतने स्टेप हैं, या ये चीज़ होता है, बट क्वेश्चन कुछ और कहता है। तो उन्हें लगा कि यार रिस्क असेसमेंट पूछा मैंने, बताया, लेकिन फिर भी मुझे ये चांस नहीं मिला। तो आप समझ पा रहे हो एक एक बारीकी को, और जब तक इन बारीकियों को आप नहीं समझेंगे और नहीं जानेंगे, तब तक जो है आप अलग नहीं दिखाई देंगे। कहने का मतलब कि जब आपकी जानकारी बेहतर होगी तो दुनिया में सबसे अलग आप नजर आएंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको सारे प्रश्नों का जवाब मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।